इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस अभी तक बाकी है। राष्ट्रपति ने अभी तक सरकार के गठन को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि खबर है कि राष्ट्रपति जल्द मंजूरी दे सकते हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल शुक्रवार या शनिवार को शपथ ले सकते हैं, यानी 26 तारीख का जो दिन बताया जा रहा था वो नहीं, अब बताया जा रहा है कि 27 या 28 तारीख को शपथ ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल के शपथ ग्रहण पर जो सस्पेंस था, हालांकि अभी तक वो बाकी है। राष्ट्रपति ने अभी तक सरकार के गठन को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राष्ट्रपति जल्द मंजूरी दे सकते हैं, और माना ये जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल शुक्रवार या शनिवार को शपथ ले सकते हैं, यानी कि 27 या 28 तारीख को शपथ ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं पहले से ही, लेकिन समय को लेकर आज जब जनता दरबार हुआ अरविंद केजरीवाल का, वहां पर भी दिन के बारे में लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि किस दिन शपथ ग्रहण करेंगे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 तारीख की जो बातें आ रही थी सामने कि 26 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, ऐसा नहीं है। जल्द ही आपको हम बताएंगे कि किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक माना यह जा रहा है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल शुक्रवार या शनिवार को शपथ लें। हमारे संवाददाता जावेद अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, जानना चाहेंगे आपके पास क्या खबर? देखिए, मेरे पास जो खबर है वो ये है कि राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है उस चीज पे, उस दस्तावेज पे, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि ये दस्तावेज लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस आज किसी वक्त पहुंच जाएगा और हो सकता है परसों यानी फ्राइडे या शनिवार तक अरविंद केजरीवाल को शपथ दिला दी जाए वो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी के लिए।